एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाली और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल हेयर कलर। तो अभी जब मैंने हेयर कलर किया हुआ है इसकी वीडियो शेयर कर दी है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ये वाला कलर मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। देन ये है कलर, कलर मेट का हेयर कलर है, गोल्डन कलर है। तो किस तरीके का कलर आता है, कैसा है, सब कुछ आपको वीडियो में डिटेल में देखने को मिलेगा। ये हेयर कलर है ऐसा ही एग्जैक्ट, मतलब इस पर लिखा हुआ यही कलर होगा मेरे बालों का, तो गोल्डन ब्राउन। इस पर 7.34 शेड नंबर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो इसको ओपन कर लेते हैं। अभी एक हफ्ते पहले मैंने ये हेयर कलर किया था। ये भी हेयर कलर काफ़ी अच्छा है, नेचुरल है। आपके वालों अगर आपको इस तरीके का कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं चाहिए, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके का इसमें कलर दिया हुआ है एंड टू कंडीशनर दिए हुए हैं जो कि आपको हेयर वॉश के टाइम पे अप्लाई करना है। मैं अपने बालों में हाफ अप्लाई करूँगी। अगर आपके हेयर का लेंथ बहुत ज़्यादा है तो आप पूरा अप्लाई कर सकते हो। इसको इस तरीके से ओपन करना है, देन इसके अंदर जो पिन दी हुई होती है उसी से इसको इस तरीके से खोल लेना है। ओके, खोलते ही इस तरीके का कलर आएगा इसमें। और इसको एक बाउल में, सॉरी कांच की बाउल में मैं इस तरीके से निकाल दूँ। ऊपर से दबाना स्टार्ट कीजिएगा। जितना मेरे बालों को चाहिए मैं उतना इसमें से निकाल ले रही हूँ। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अभी मुझे अपने पूरे बालों पे अप्लाई करना है तो इसलिए मैंने इतना लिया है। आपको अगर आपके बाल छोटे हैं या फिर आप बॉय हो तो आप थोड़ा कम लीजिएगा, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप पूरा ले सकते हो। तो ये मैंने कलर क्रीम इसमें अप्लाई कर दिया है। देन डेवलपर जो दिया होता है उसको भी अप्लाई डालेंगे इसके अंदर, क्रीम के अंदर ही। तो इतना सा मैंने डेवलपर डाल दिया है, आधा डाल दिया है, आधा रखा हुआ है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे एक ब्रश की मदद से। अगर आप फर्स्ट टाइम कलर कर रहे हो तो डायरेक्ट अपने बालों पे और स्कैल्प पे अप्लाई मत कीजिएगा। थोड़ा सा कलर लेके अपने कान के पीछे इस तरीके से लगा लीजिए। अगर वहाँ पे इचिंग या फिर कोई और दिक्कत होती है तो आप इसको बालों पे अप्लाई मत कीजिएगा। ओके, तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, देख सकते हो आप। तो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम लोग बालों को पार्टीशन कर करके अप्लाई करेंगे। जब भी आप अप्लाई कर रहे हो कलर तो कोशिश कीजिए कि नीचे से अप्लाई करो। तो इस तरीके से कोशिश कीजिए कि आपकी स्कैल्प जो है वो बच जाए, स्कैल्प पे ना लगे, क्योंकि कई कई कलर्स जो होते हैं हमें सूट नहीं करता है और फिर हमको इचिंग होती है या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बाद में ज़्यादा होने लगती है। इस तरीके से कलर को लगाते जाएंगे अपने पूरे बालों पे। ओके, अब अगेन इस तरीके से थोड़े थोड़े हेयर लेके और सारे बालों पे कलर को अच्छे से अप्लाई करेंगे। आप चाहो तो किसी की हेल्प ले सकते हो और भी अच्छा कलर दिखाने के लिए। ओके, तो इसी तरीके से मैं अपने पूरे बालों पे अप्लाई करूँगी।
अगर आपको कम लगे कलर तो आप बाद में और अप्लाई कर सकते हो। तो पूरा कलर अप्लाई करने के बाद से मिलती हूँ इसको आपको 35 मिनट तक, इस पर लिखा हुआ है 35 मिनट तक आपको बालों में रखना है। देन कंडीशनर, पहले हेयर को अच्छे से वॉश करना है और फिर कंडीशनर लगा के 2 मिनट रखना है और फिर से वॉश कर देना है। पूरे बालों में अप्लाई करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैंने फ्रंट में बहुत अच्छे से कलर अप्लाई कर लिया है और कलर को अच्छे से मिक्स करने के लिए आप बालों में कॉम कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बट दिक्कत हो रही है कॉम करने में तो मैं छोड़ देती हूँ। बट जो मेरे नीचे की हेयर्स है उसमें कलर बिल्कुल भी नहीं लगा और कलर ख़त्म हो गया, तो मैं थोड़ा सा और मिक्स करूँगी और अच्छे से अप्लाई करूँगी दोबारा से, ताकि पूरे बालों में अच्छे से लग जाए कलर जो है वो। अब इसमें इतना बचा हुआ है जो कि जैसे किसी लड़के के बाल जो हैं यहाँ तक हैं उनमें अप्लाई हो जाएगा, बट लड़कियों में लॉन्ग हेयर में नहीं अप्लाई हो पाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है, देन बालों की लेंथ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं कलर को। आप ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा, मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी है, ग्लव्स नहीं पहने हैं। आप ग्लव्स पहन के अप्लाई करोगे तो आपके हाथों पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा कलर का। ऑलमोस्ट मेरा कलर डन हो चुका है, पूरा मैंने लगा लिया, तो मेरी जितनी लेंथ है तो आपका भी इतने कलर में, हेयर कलर में हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसको ऐसे ही रखूँगी आधे घंटे तक, आधे घंटे के बाद इसको वॉश करके फाइनल रिजल्ट जो होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं चाहिए होगा तो आप इसको 20 मिनट में भी वॉश कर सकते हो। तो ये जो बचा हुआ कलर है इसको मैं वैसे ही रख दे रही हूँ, ताकि अगेन दोबारा कभी अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर लिया जाए। और सॉरी गाइज, मैंने इसमें देखा नहीं, इसमें एक ग्लव्स भी दिया हुआ है, तो आप ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा। मैं ग्लव्स को रख ले रही हूँ, नेक्स्ट टाइम काम आएगा मेरे। और मैं हाथों को वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि हाथों में लगानी है मुझे मेहंदी, शादी में जाना है तो हाथों में कलर आ जाएगा। तो आधे घंटे के बाद हेयर वॉश करने के बाद मैं आप लोगों को इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो दिखाती हूँ। हेयर वॉश करते टाइम एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, जब भी आप हेयर वॉश करने जाओगे तो आपको शैम्पू नहीं करना है, सिंपली पानी से वॉश करना है, देन कंडीशनर अप्लाई करना है, 2 मिनट तक रखना है और फिर से पानी से वॉश कर देना है। चलिए फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको वॉश करने के बाद। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कलर कर लिया है, बालों को धो लिया है एंड बाल सूख भी चुके हैं। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कलर अप्लाई करना है तो आप 5-6-7-8 दिन पहले अप्लाई कीजिए, ताकि 2-3 बार वॉश हो जाए, आपका बाल धो ले, ताकि कलर जो है वो परफेक्ट कलर आ जाए और जैसा आप चाहते हो वैसा सेम कलर आ जाए। क्योंकि तुरंत कलर करते करते ही कलर नहीं आता है, एक हफ्ते पहले या फिर 10 दिन पहले कलर कीजिए। फ्रेंड्स मैंने बालों को वॉश करके ड्राई कर लिया है, बाल अच्छे से सूख गए हैं और कलर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर है। अब जैसे आप डे बाई डे इसको शैम्पू से वॉश करते जाओगे इसका कलर और भी निखर के आता जाएगा एंड फुल गोल्डन कलर में आ जाएगा। मैंने पहले रेड कलर अप्लाई किया था, इस वजह से भी थोड़ा बहुत रेड दिखा, बट ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लगा ये कलर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे जैसे मैं इसको वॉश करूँगी ये पूरा गोल्डन कलर में आ जाएगा। तो मुझे आज का ये हेयर स्टाइल, हेयर कलर बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और भी इस तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए। सबसे पहले तो फ्रंट से आप देख सकते हो सारी जगह अच्छे से कलर अप्लाई हो गया है, कहीं से भी आप देख लो पूरा कलर अच्छे से दिख रहा है बालों में। बैक से भी दिखा देती हूँ, तो बहुत अच्छा सा एक साइन आ गया है बालों में और कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है।
आई होप कि आज का वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव हो और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट हेयर स्टाइल, हेयर कलर, हेयर से रिलेटेड और वीडियोज इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। इंस्टा आईडी PreetiY24 है तो वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एंड सेकेंड चैनल पर स्किन टाइप से रिलेटेड, स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड और वीडियोज़ लेकर आती हूँ एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।